हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पहले देखो पहले सीखो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार ने अपना वादा पूरा कर दिया है। कल देर रात बुधवार को अशोक गहलोत ने भी राजस्थान के किसानों का कर्ज माफ कर दिया है। तो आज ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ सबसे पहले, और आपको दिखाऊंगा कि किन किन किसानों का अशोक गहलोत ने कर्जा माफ किया है। अशोक गहलोत का राजस्थान के किसानों में कर्ज माफी का क्या रहेगा फॉर्मूला। तो दोस्तों कांग्रेस ने वादे के मुताबिक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों ही स्टेट में किसानों का जो कर्ज माफी का वादा है उस 10 दिन के भीतर जो वादा किया था वो निभाती हुई नजर आई है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि अशोक गहलोत ने राजस्थान के किसानों का किन किन का कर्जा माफ किया है। तो देख सकते हैं मैं आज तक की मेन साइट के ऊपर आया हुआ हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान लोन वाइजर कांग्रेस ने निभाया वादा, अशोक गहलोत ने माफ किया किसानों का कर्ज। ये देख सकते हैं ये 19 दिसंबर की जयपुर से खबर है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान में भी किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार शाम को एक फैसले में किसानों के 2 लाख तक के कर्ज की माफी की घोषणा की है। इससे राज्य सरकार पर करीब 18,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे अशोक गहलोत ने कर्ज माफ किया है। किसानों की कर्ज माफी के नाम पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सत्ता में आई कांग्रेस की नव निर्वाचित सरकारों ने अपने घोषणा पत्र में किए वादों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। कमलनाथ, भूपेश बघेल के बाद अब अशोक गहलोत सरकार ने भी किसानों के ऋण माफी का ऐलान कर दिया है। राजस्थान सरकार ने किसानों द्वारा 30 नवंबर 2018 तक लिए गए 2 लाख तक के कर्ज माफ करने का आदेश जारी किया है। तो आप देख सकते हैं 30 नवंबर 2018 से पहले पहले जिन्होंने 2 लाख रुपए तक का कर्ज ले रखा था उनका ही कर्ज माफ होगा। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो किसानों के 2 लाख तक के ऋण माफ किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शपथ ग्रहण के चंद घंटों बाद ही किसानों के कर्ज माफी संबंधी फाइलों पर दस्तखत कर दिए थे, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने शपथ ग्रहण के फौरन बाद कर्ज माफी की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्ज माफी की जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वादा किया था कि जिसे 10 दिन के भीतर पूरा करना था। इस आदेश के तहत कोऑपरेटिव बैंकों के किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। जिन जिन लोगों का कोऑपरेटिव बैंक अर्थात केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड जिसे हम बोलते हैं उसका जो कर्जा है वो पूरा कर्जा माफ होगा। जबकि जो किसान कमर्शियल बैंक से ऋण नहीं चुका पाए और बैंक के डिफाल्टर हैं उनका 2 लाख तक का कर्ज माफ होगा। कहने का मतलब जिन लोगों ने कमर्शियल बैंक से ऋण ले रखा है उनका सिर्फ 2 लाख तक का ऋण माफ होगा, और जिन लोगों ने कोऑपरेटिव बैंक से ऋण ले रखा है उनका पूरा कर्जा माफ होगा। उन्होंने बताया कि वसुंधरा सरकार ने 2,000 करोड़ तक का कर्ज माफ किया था और 8,000 का करोड़ का कर्ज छोड़ दिया था। इस ऋण माफी से सरकार पर 18,000 करोड़ का भार पड़ेगा और 30 नवंबर 2018 तक के ऋण माफ किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ऋण माफी के बाद राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी द्वारा किए गए वादे के अनुसार हमारी सरकार ने किसानों के कर्ज माफी करने की घोषणा कर दी है। कांग्रेस जो कहती है वही करती है। आप ये सचिन पायलट का ट्वीट पढ़ सकते हो। कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी द्वारा किए गए वादे के अनुसार हमारी सरकार ने किसानों के कर्ज माफी करने की घोषणा कर दी है। कांग्रेस जो कहती है वही करती है। दोनों राज्यों में कर्ज माफी के ऐलान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा कि दो प्रदेशों में कर्ज माफी हो गई है, एक की बाकी है। गौरतलब है कि राजस्थान में पिछली वसुंधरा राजे सरकार ने किसानों के आंदोलन के बाद आंशिक तौर पर कर्ज माफी की थी। नवनिर्वाचित अशोक गहलोत द्वारा समीक्षा के बाद अब किसानों की ऋण माफी का ऐलान कर दिया गया है।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं राजस्थान में भी किसानों का कर्ज माफी का ऐलान कर दिया गया है कांग्रेस सरकार ने। तो ये राजस्थान के किसानों के लिए बहुत ही राहत की बात है। तो आपको मैंने फिर से बताया, जिन लोगों ने कोऑपरेटिव बैंक से ऋण दे रखा है उनका पूरा कर्जा माफ होगा, और जिन लोगों ने कमर्शियल बैंक से ऋण दे रखा है या अन्य बैंक से ऋण दे रखा है उनका सिर्फ 2 लाख तक का ही ऋण माफ होगा। और ये भी ऋण उनका ही माफ होगा जिन लोगों ने 30 नवंबर 2018 से पहले पहले ऋण दे रखा था। तो अशोक गहलोत द्वारा ये राजस्थान के किसानों को एक मुख्यमंत्री के रूप में एक बहुत ही बेहतरीन तोहफा दिया है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था उनसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही जो बेल का आइकन है उसको दबा के ऑन कर लें ताकि मैं इससे भी अच्छे वीडियो आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से पहुँचा सकूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही नए लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय राजस्थान, जय भारत।